सो हे गाइस बेटू आर्मी हियर, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। सबसे पहले तो आप सभी को लिटरली दिल से सॉरी कि मैंने 10 दिन के बाद वीडियो लाया है, क्योंकि गाइस मैं ग्रैंड मास्टर पुशिंग में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था। टू बी ऑनेस्ट गाइस, आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो आज तक मैंने तो कभी नहीं डाला, इवन आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज के वीडियो के सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के कारण आप लोग इजीली ग्रैंड मास्टर कर सकते हो, जैसे मैंने सोलो में टच करा। तो गाइस मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो ना तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ग्लिच बताने वाला हूं, ना ही कोई बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें है सिर्फ एक ऐसा गन कॉम्बिनेशन एंड उस गन कॉम्बिनेशन के साथ आपकी गेम प्ले की स्ट्रेटेजी। गाइस सिर्फ इस दो पॉइंट को आपको फॉलो करना है, आई एम प्रीटी श्योर कि 10 गेम में से 8 गेम यानी 8 गेम आपका इजिली भूया होगा एंड बाकी के 2 गेम में भी आप इजिली टॉप 2 टॉप 3 या फिर टॉप 5 तो कर ही लोगे। तो चलो गाइस बिना लेट के सबसे पहले तो मैं इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से एक मैच स्टार्ट करता हूं एंड देन फिर आपको उसी गेम के अंदर स्ट्रेटजी बताते हैं कि खेलना कैसे। तो गाइस फाइनली मैंने इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से एक मैच स्टार्ट कर दिया हूं एंड गाइस उसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। सो गाइस फाइनली लॉबी में काफी तगड़े बंदे आए हैं। वैसे भी गाइस इस सीजन अगर आप सोलो में रैंक पुश कर रहे हो ना, तो फिर बंदे तो तगड़े ही आने वाले हैं। लॉबी में बंदे हार्ड आते हैं या नूब, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस फाइट तभी होगी जब आप चाहोगे। सो गाइस जब फाइनली उसके बाद अब हम लोग प्लेन में आ जाते हैं एंड प्लेन में आने के बाद अब आता है सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहां पे करना है, क्योंकि गाइस सोलो में लैंडिंग ही डिसाइड करता है कि आपका कौन सा पोजीशन आने वाला है। गेम की स्टार्टिंग में मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो एकदम ध्यान से सुनना गाइस। गेम के स्टार्टिंग में आप लोग इसीलिए लैंड करते हो ना कि चलो यार स्टार्टिंग में एक दो किल कर लेंगे, उसके बाद मर भी गया तो आराम से सर्वाइव करना होगा, क्योंकि सेकंड रिवाइव का तो ऑप्शन मिलता ही है ना। गाइस क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में आपने लैंड किया हो और आप जीरो किल पे मर गए हो? तो फिर उसके बाद कैसे उस गेम को भुया करना, कैसे उस गेम में डैमेज लेना, ये सब गाइस आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो ना, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो ना, तो फिर यार एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पता नहीं YouTube मेरी वीडियो क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा। गाइस YouTube के सस्ते ना से तो आपको पता ही है। सो गाइस फाइनली जैसे ही मैं स्टार्टिंग में लैंड करता हूं ना, उसके बाद मुझे कोई गन नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या करता हूं कि मैं पोचिनॉक की तरफ आने की कोशिश करता हूं। उसके बाद गाइस मैं जैसे ही यहां पे आता हूं, तो एक बंदा मेरे को लिटरली देख लेता है गाइस, एंड ये बंदा इस घर से बाहर निकल रहा होता है। बट गाइस एक्चुअल में ये बंदा तो मुझे नहीं देखता है, बट गाइस इसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं इस डबल डोर में जाता हूं ना भाई, बंदा यहां पे ऑलरेडी रह रहा होता है। बट इसका मतलब जैसे यहां पे जाता हूं, ये बंदा मेरे को देख लेता है। अब गाइस ये बंदा देखो मेरे को कितना गंदा वाला डैमेज देता है, एंड गाइस एट द एंड ये बंदा मेरा पीछा करते करते फाइनली मेरे को फिनिश कर देता है, क्योंकि गाइस इसके बाद मैं लिटरली कुछ नहीं कर पाता हूं। बट गाइस जो मैंने आपको बताया था, जब आप जीरो किल पे मरते हो ना, आपका पूरा मतलब समझ लो ना, मोटिवेशन एक डिमोटिवेशन में चला जाता है। सो गाइस इसके बाद आपको जो लैंड करना है ना, वो आपको वैसे जगह पे लैंड करना है जहां पे लिटरली एक भी बंदा नहीं आ रहा हो। जैसे कि गाइस देखो मैं कहां पे लैंड करने जा रहा हूं, ना तो मैं किसी भी बड़े अच्छे प्लेस पे जा रहा हूं, ना ही सैंडोसा पे जा रहा हूं, ना ही इधर मैं इधर रुक रहा हूं जो पीक टावर या फिर कुछ भी होता है, मैं एकदम से नीचे छोटे से जो दो तीन घर होते हैं ना, उस घर में जा रहा हूं। बट गाइस एक्चुअल में मैंने आपको गन का कॉम्बिनेशन नहीं बताया, तो गाइस गन का कॉम्बिनेशन है डबल विक्टर। अब आप सोच रहे हो कि यार बिट्टू भाई क्या बोल रहे हो आप, ये तो मेरे को पहले से पता था। नहीं, इसको लेकर खेलना कैसे ये तो नहीं पता। तो जैसे ही गाइस आप गेम स्टार्ट करते हो ना, गेम स्टार्ट करने के बाद आपके माइंड में दो चीज चलना चाहिए, पहला चीज डबल वेक्टर और दूसरा पॉइंट कि आपके गन से गोली तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि आपका पोजीशन टॉप 20 नहीं होता। गाइज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो है टॉप 20। आपका टॉप 20 होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर टॉप 20 नहीं करोगे ना, तो फिर मतलब टॉप 20 हो तो जाएगा, बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बंदा देखकर आपको गोली नहीं चलाना। तो गाइज फाइनली आप लोग देख लो, तो मेरा पोजीशन टॉप 28 हो चुका है, बट स्टिल अभी भी मैं जोन के बाहर से ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज देख लो तो फर्स्ट जोन स्विंग करना स्टार्ट हो चुका है। एंड फाइनली देख लो गाइज, तो फर्स्ट जोन स्विंग करके रुक चुका है एंड फाइनली सेकंड जोन बन चुका है। एंड जोन कैसे कवर करना है, ये तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा बार बता रखा है। एंड गाइस इस बात का भी ध्यान रखना है ना कि आपका जो फाइट होगा ना, वो केवल शॉर्ट रेंज पे होना चाहिए, तो लॉन्ग रेंज में अगर कोई बंदा दिखे ना, तो उसके पास तो जाना ही मत। और अगर मतलब आपको उसके ऊपर रश करना है ना, तो ग्लू वॉल आपके पास ज्यादा होना चाहिए। फिर गाइस आप अपने ग्लू वॉल को यूज करके उसके नजदीक पहुंचोगे, एंड नजदीक पहुंचने के बाद आप उसके ऊपर इजिली अटैक कर सकते हो। एंड गाइस देख लो आप लोग, तो फाइनली सेकंड जोन स्ट्रिंग करना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी सोच रहा था लूं कि ना लूं, क्योंकि मेरे पास मीसा कैरेक्टर है नहीं, और
अगर आपके पास मीसा कैरेक्टर नहीं है एंड अगर किसी बंदे ने आपको देख लिया तो वो आपके ऊपर इजीली डैमेज दे सकता है। स्टिल गाइस, मैंने गाड़ी को इसीलिए लिया था क्योंकि मेरा गाड़ी से सरवाइव करने का मोटो नहीं था, मेरा गाड़ी से किसी सेफ जगह पे पहुंचने का मोटो था जोन के सेंटर में। गाइस, अब तो मैं फाइट भी कर सकता हूं क्योंकि मेरा पोजीशन भी टॉप 20 हो चुका है। बट स्टिल गाइस, आपको ध्यान रखना है, टॉप 20 में आपको इसीलिए बोल रहा हूं ना कि अगर आप टॉप 20 के बाद मरते हो ना तो आपका बहुत गंदा माइनस लगता है, और अगर आपके पास छोटा मोटा डैमेज है तो फिर आपका माइनस भी नहीं लगने वाला। गाइस, जब भी अपन रैंक पुश करते हैं ना तो रैंक पुश में जो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअल में रैंक प्लस करना नहीं होता है, माइनस नहीं होने देना। ये सबसे मेन स्ट्रेटजी है गाइस कि अगर माइनस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका रैंक प्लस ही होने वाला है। फाइनली गाइस, उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तो जोन स्विंग करने के बाद एकदम से जोन छोटा होने वाला होता है। बट गाइस, यहाँ पे कुछ घरों में मैं लूट करता हूँ, बट गाइस जैसे ही मैं घर में लूट करता हूँ उसके बाद मैं जाता हूँ एल शेप पे। बट गाइस फाइनली देख लो, इतने छोटे से जोन में अभी भी 17 बंदे हैं। एंड गाइस, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जैसे ही मैं एल शेप के ऊपर जाता हूँ तो जोन बन जाता है। एंड आप देख लो गाइस, घर कितना ज्यादा सेफ है जोन में। जब भी आप लोग फ्री फायर खेलो ना तो आपका टारगेट होना चाहिए बुरा करना, ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में किल करना है। किल की तो टेंशन मत लेना यार, 1, 2, 3, 4, 5 किल पे भी बुरा होगा ना गाइस, हल्का फल्का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट प्लस तो सब में मिलेगा ना। सो गाइस, जब फाइनली जोन स्विंग करना स्टार्ट हो जाता है, मेरा पोजीशन टॉप 8 हो चुका है। उसके बाद गाइस, अब आपको जो मेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना ना, वो ये ध्यान देना कि आपके आसपास से बगल में बंदे आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। गाइस, अगर आपका घर जोन के सेंटर में है तो बाकी बंदों का भी ध्यान आपके घर के ऊपर होगा। जैसे देख लो गाइस, तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख रहा है जो पानी की साइड से आ रहा है, ये उधर की साइड जा रहा है। मैं चाहता तो उसके ऊपर रस करके मारने की कोशिश कर सकता हूं, बट गाइस आई ऑलरेडी नो कि उसका जो रास्ता है वो किसी और तरफ जा रहा है, तो मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। भाई जाओ यार, अपन तो लास्ट में फाइट करेंगे ही ना, क्योंकि भूया तो मुझे ही करना है। फाइनली गाइस, इतने में क्या होता है ना कि मुझे एक फुटस्टेप आता है। अब फुटस्टेप आता है तो मुझे तो पता चल गया कि कोई बंदा मेरे ऊपर आ रहा है, बट उसको नहीं पता ना गाइस। फाइनली मैं उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूं। उसके बाद भाई ये बंदा देखो, मतलब मेरे को कितना गंदा डैमेज दे रहा, बट फिर गाइस मैं इसको फाइनली फिनिश कर देता हूं। गाइस, ये एक बंदे को फिनिश करने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ ये आपको पता है? मेरी अगर आप लोग टोटल एचपी चेक करोगे तो मेरी टोटल एचपी 225 हो चुकी है। तो गाइस, ये एक लिक्विटा जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप डबल वेक्टर के साथ गेम पुश करना चाहते हो। तो गाइस, अब अगर शॉर्ट रेंज में मैं फाइट करूंगा तो जिस भी दूसरे बंदे से मैं फाइट करूंगा उसका हेल्थ होगा 200, मेरी हेल्थ होगी 225। उसके पास होगा हाथ में एक गन, मेरे पास है हाथ में दो गन। तो समझ रहे हो ना गाइस, धीरे धीरे मैं कितना भारी होते जा रहा हूँ। फाइनली गाइस देख लो आप लोग, तो मेरा पोजीशन टॉप 3 हो चुका है बट मेरा एक ही किल हुआ है। तो गाइस, मैं ये सोचा था ना कि यार कम से कम 2 किल तो और मिलना चाहिए ना, तो दोनों ही बंदे को अब मैं ही मारने वाला हूँ। क्या लगता है गाइस, हो पाएगा या नहीं? सो गाइस, जो फाइनली सेकंड लास्ट जोन आ जाता है, अब मैं धीरे धीरे बंदे के पास जाने लगता हूँ क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बंदा आसपास होगा, सामने होगा, किधर होगा, किधर, मतलब कहीं से भी कुछ भी लोकेशन मुझे नहीं मिल रहा होता है यार। मुझे बंदों का ना लोकेशन बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि आराम से एकदम पीछे से छुप के जाने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर ये जो एपिसोड 1 लिखा है ना, तो मैं एपिसोड्स में वीडियोस लाऊंगा कि आप लोगों को रैंक पुश ग्रैंड मास्टर कैसे करना है। फाइनली गाइस, उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे को भाई बंदा वॉल लगा हुआ है, सामने बंदा फाइट करने की कोशिश कर रहा है। भाई मतलब तो ये दोनों बंदा मेरे को दिख जाता है, मुझे तो ये लग रहा था ना गाइस कि ये वाला जो बंदा है ना ये मुझे देख लिया। बट गाइस फाइनली मैं चुप्पे से देखो कि अब मैं अपने कितने माइंड की स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ, चुपचाप नीचे से बैठ बैठ करके इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इस बंदे का ध्यान तो पूरा उस बंदे पे है ना। उसके बाद गाइस मैं क्या ही इस बंदे को मारता हूँ, मतलब ये बंदा कितना डर गया होगा यार, लिटरली बहुत डर गया होगा गाइस। सच बताओ अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे ना भाई, मुझे अंदर से तो गाली निकलती है। अब बचता गाइस फाइनली लास्ट वाला बंदा, तो मेरे पास क्या होता है गाइस कि 2 ग्रेनेड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, लास्ट वाला बंदा ना बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रहा था। मैं जैसे गाइस उस बंदे ऊपर नेट करने की कोशिश करता हूँ, ये बंदा पहले मेरे को इतना गंदा डैमेज दे देता। बट गाइस मैंने आपको बोला है ना, डबल वेक्टर, अगर आप डबल वेक्टर लगाओगे तो फिर कोई भी लिटरली कोई नहीं टिक पाएगा आपके। तो गाइस फाइनली देख लो आप लोग, तो मेरा हो चुका है भूया। एंड गाइस आप लोग देख लो कि मुझे कितना प्लस मिलता है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।